नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं सभी को मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको कुछ क्विक टिप्स देने जा रहा हूं सरकारी जॉब इंटरव्यू के ऊपर। दोस्तों, जब आप रिटन पास कर लोगे या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लोगे, तब आपको स्किल टेस्ट देना होता है या फिर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरकारी जॉब इंटरव्यू के ऊपर कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, लेट्स बिगिन। जॉब इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जो देने से पहले शरीर कांपने लगता है, रातों की नींदें उड़ जाती है, प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अभी मैं आपको चार टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपको जॉब इंटरव्यू देने में आसानी होगी और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी चांसेस है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए, लेट्स बिगिन टू आवर फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप, ड्रेस कोड। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको डिसेंट दिखना है दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो जैसे ही कोई इंटरव्यू देने से पहले आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे उस इंटरव्यू में। पर दोस्तों, जैसे कि आप सोचते हो वैसे ही आपको अपने ड्रेस के लिए भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या पहनोगे उस दिन, क्योंकि आपको अगले 10 मिनट आपको जज किया जाएगा हाई रैंक ऑफिशियल की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, लड़कियां जैसे कि कल्चरल ड्रेस, साड़ी हो गया, सलवार हो गया, ये सब चीज़ें पहन सकती है, बट यहाँ लड़कों को ज़्यादा केयरफुल रहना है ड्रेस कोड के ऊपर। कोई भी लड़का टी शर्ट या पोलो कॉलर टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, बट इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। आपको पूरा फॉर्मल में जाना है। यू हैव टू गो फॉर अ शर्ट बट नॉट शुड बी डार्क। लाइट कलर विल बी मच बेटर आइडिया टू शोकेस योर सिंप्लिसिटी। और आप जो नीचे ट्राउज़र पहनेंगे, इट शुड बी डार्क एज इट वुड बी अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट फॉर द इंटरव्यू। एंड अगेन, डोंट फोल्ड योर कर्व्स दोस्तों, ये टोटली एक नो थिंग है फॉर अ जॉब इंटरव्यू। नाउ लेट्स मूव टू आवर टिप नंबर टू, टाइम पंक्चुअलिटी। दोस्तों, जहां आपका इंटरव्यू होने जा रहा है वहां पे आपको करीब 20 से 30 मिनट पहले पहुंचना है। दोस्तों, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करता है। दोस्तों, अगर आप सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते हो तो आप एट द लास्ट मोमेंट पैनिक कर दोगे और हड़बड़ी में किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। लेट्स मूव टू आवर टिप नंबर थ्री, द राइट अप्रोच, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉब इंटरव्यू का। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? सवालों के सही उत्तर देना? जी नहीं, सबसे ज़्यादा फोकस रहता है आपका कॉन्फिडेंस। आपका पर्सनैलिटी का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर आप रहोगे कॉन्फिडेंट, तभी आप उनके सवालों के आंसर कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। इसमें क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, जब आप कॉन्फिडेंटली आंसर देते जाओगे, तब आपका छोटी सी छोटी मिस्टेक भी नज़रअंदाज किया जाएगा। आपको इस जॉब अखाड़े में कंपटीशन से दो कदम आगे रहना चाहते हो, देन यू शुड ऑल्सो साउंड कॉन्फिडेंट, तभी आपका दिए गए इम्प्रेशन का वजन बढ़ेगा। टिप नंबर फोर सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करोगे तब आपको बोलना है मे आई कम इन सर और मैम। जब आपको बैठने के लिए बोला जाएगा तभी आपको ग्रीट करना है लाइक गुड मॉर्निंग सर स्लैश मैम। दोस्तों, मैनर्स के ऊपर भी मार्किंग रहता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी मार्किंग रहेगा। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा व्हाई यू वांट दिस जॉब, आपको क्यों इस जॉब की ज़रूरत है, तभी आपको स्मार्टली उन लोगों को कन्विंस करना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट एंड द स्किल दैट आर लाइकली टू बी मच नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। बट जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बोलना है दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब एंड वॉज सिंसियर टू व्हाइल यू आर ट्रेन बिफोर अपेयरिंग दिस जॉब, ठीक है। आपको अपना डिग्री के बारे में, फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी किए हों, आपको उनके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करना है एंड यू हैव टू मेक देम कन्विंस, ओके, दिस इज़ द राइट वे टू से सो। इसी तरीके से आप अपना एक बेटर वर्जन वहाँ पे पेश कर सकते हो। दोस्तों, इन्हीं चार स्टेप्स को आपको बारीकी से फॉलो करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल ओवरकम मेनी हर्डल्स कमिंग इन योर वे। दोस्तों, मैं आभारी हूँ जो आप लोग इतना मुझे सपोर्ट, इतना प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा।
दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वो जो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।